गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की मैथ की एक्सरसाइज 7.3 के ए बी और सी पार्ट। ए पार्ट में क्या है, सर्कल ऑल द इवन नंबर। क्लास फोर्थ एक्स 7.3 ए इवन नंबर है, उनके ऊपर आपने सर्कल करना है। ठीक है, इवन नंबर के बारे में मैंने कल आपको बताया है, इवन और कंपोजिट और प्राइम के बारे में। ठीक है, जो नंबर 2 से पूरी डिवाइड हो जाती है वो इवन नंबर होती है। ठीक है, तो ये जो बुक के अंदर दे रखी है, देखो सबसे पहले 68 इवन है, इस पर आपने सर्कल करना है। फिर चलो मैं ये सारी लिख देता हूं, 24 49, इसके बाद है 65, इसके बाद है 683, नेक्स्ट है 724, नेक्स्ट है 910, 84, 92, 176, 216। ये इवन नंबर है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, 910 भी, 84, 92, 176, 216। ये इतने नंबर है जिसमें इवन है, बाकी रहेगी वो ओड नंबर है। ठीक है, बी पार्ट है, उसके अंदर क्या है, ओड नंबर पर सर्कल करना है। किस पर करना है, ओड नंबर पर। तो पहले सारे नंबर लिखेंगे, 16, 3, 29, 10, 285, 981, 630, 347, 489। तो 3 ओड है, 2 से डिवाइड नहीं होती, 29 ओड है, 2 से डिवाइड नहीं होती, ये भी 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 2 से डिवाइड नहीं होती, जो 2 से डिवाइड नहीं होती वो सारी क्या है, ओड नंबर है। सी पार्ट बहुत ही सिंपल है, ओड इवन कंपोजिट प्राइम इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट ओड नंबर, सबसे छोटी ओड नंबर। सी पार्ट है, आंसर देने हमें, सी में पहला है स्मॉलेस्ट ओड नंबर 1, नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट ओड नंबर, तीन अंकों की सबसे बड़ी ओड नंबर क्या होती है, 1 अंक की सबसे बड़ी होती है 9, 2 डिजिट की होती है 99 और 3 डिजिट की होती है 999। थर्ड है स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होती है, 2। ठीक है, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट इवन नंबर, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट्स इवन नंबर, तीन अंकों की सबसे बड़ी इवन नंबर क्या होती है। ठीक है, वो होती है थ्री डिजिट की ओड नंबर, ये है इसमें से 1 सबट्रैक्ट कर दो, 998। ठीक है, सी पार्ट के ये सारे आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपने क्या करना है, इवन नंबर निकालनी है, बी पार्ट में आपने ओड नंबर छांटनी है, सर्कल करना है उनके, और सी पार्ट में क्या है, आपने जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं उनके ये आंसर इस तरह सामने लिखने हैं। ठीक है, बी पार्ट में कुछ नहीं है, ये पिक्चर है छोड़ देनी है,
और ई और एफ पार्ट जो हम कल करेंगे। तो ठीक है आपने।